अब यहाँ पर देखेंगे तो DRL कुछ इस तरह से मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम न्यू शेप में यहाँ पर, और यहाँ पर आपका TVS लिखा रहेगा। और उसके बाद वाइजर जो है ये आपको व्हाइट कलर न्यू शेप में यहाँ पर आपको इस तरह से कट दिया गया, पहले वाला ये सादा ही आता था लेकिन अब यहाँ पर आपको ये न्यू शेप में इस तरह से मिलने वाला है। LED वाली हेडलाइट इसके अंदर दी गई है कुछ इस तरह से, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इस तरह से LED वाली लाइट आपको मिलने वाली है। नंबर प्लेट यहाँ लगेगा और इसका मडगार्ड जो है कुछ इस तरह से नए शेप में नए ग्राफिक के साथ मिलने वाला है। और डबल कलर रहेगा, यानी कि पीछे आपका ब्लैक रहेगा, यहाँ पर आपका व्हाइट कलर रहेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी व्हील्स जो है अलॉय कुछ इस तरह से मिलती है, बिल्कुल नए शेप में एकदम डिफरेंट लेवल की। यहाँ पर आपको 280 mm का फ्रंट पर डिस्क ब्रेक, वो भी पेटल डिस्क दिया गया। यहाँ पर देखेंगे तो इस तरह से ये कटिंग है, इससे डिस्क ब्रेक हीट नहीं होता, ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी बढ़िया रहती है। 90x90 सेक्शन के 17 inch की व्हील्स रहने वाली हो, टायर भी आपको इस तरह से मिलने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो TVS रेसिंग की यहाँ पर आपको ब्रांडिंग भी कुछ इस तरह से मिल जाती है, और डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, ABS आपको मिल जाता है, आयल डंपर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, सुपर मोटो का ABS यहाँ पर इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस तरह से कुछ कटिंग रहने वाली है। और ब्लिंकर जो है वो आपको TVS अपाचे 4V का जो आती है और 200cc वही वाला यहाँ पर मिलेगा, यानी कि टॉप मॉडल का। और उसके बाद यहाँ पर आपका क्लच लीवर और ब्रेक लीवर एल्युमिनियम बेस पे दिया गया है, बारन भी काफ़ी बढ़िया बड़ा वाला और काफ़ी अच्छा, ये हैंड की सेफ्टी भी रखता है और गाड़ी की भी सेफ्टी रखता है। अब फ्यूल टैंक 13 यानी 13 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, हॉर्स का एकदम बढ़िया ज़बरदस्त वाला यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको नए ग्राफिक देखने को मिलेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ग्रे कलर का, यहाँ पर आपका ये डार्क ग्रे, यहाँ पर आपका रेड, और काफ़ी बेहतरीन ग्राफिक्स मिलने वाला है। यहाँ पर ये अलग से ऐड किया गया है इस प्लास्टिक को, ये भी नया चीज़ ऐड किया है कंपनी ने, RTFI रेस ट्यूनेट लिखा मिलेगा। और इस शेप में आप देखते हैं बिल्कुल एकदम समझ लो कि इसमें नई जान डाल दिया है इस चीज़ ने, इससे थोड़ा और हैवी दिखने लगी है। और सबसे बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो लेग गार्ड है ये भी काफ़ी स्टाइलिश लुक के साथ मिलेगा, और डबल हॉर्न दिया गया इसके अंदर। और यहाँ पर देखेंगे तो ये जाली जो आप देख रहे हैं, यानी कि इसका इंजन गार्ड, ये देखिए सबसे नया शेप में यहाँ पर आपको मिलेगा, बिल्कुल न्यू शेप में है ये। और यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन का यहाँ पर आपका मिलेगा, TVS रेसिंग लिखा मिलेगा। यहाँ पर भी आपको कटिंग मिल जाती है, बिल्कुल नए शेप में यहाँ पर आपको मिलने वाला है ये चीज़। और डबल चेसी पर ये गाड़ी टाइट किया गया है इसका इंजन, मजबूती वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं मिलने वाला है, मजबूती काफ़ी अच्छा रहेगा और वाइब्रेशन नहीं रहेगा। अब उसके बाद इसका जो इंजन है ये देखिए आप, इंजन 160cc का पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है भाई, एयर आयल कूल यहाँ पर रहने वाला है, और फ्यूल इंजेक्शन वाला यानी FI प्रोग्रामेड है, 5 गियर है, 160cc सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन रहेगा, 85 सवार पे मैक्सिमम पावर है, 6000 मैक्सिमम टार्क है। माइलेज की बात करें तो 40 से 45 का गाड़ी माइलेज देगी, 40 से 45 का माइलेज ठीक ठाक माइलेज आपको मिलेगा। ओनली सेल्फ स्टार्टर किक स्टार्टर इसमें नहीं आता, दूसरी साइड से मैं आपको दिखा देते हैं, तो इस साइड से आप इंजन देख सकते हैं, यहाँ पर आपका स्पार्क प्लग दिया गया है, और ये आयल कूल वाला सेटअप यहाँ पर ठंडा करने के लिए, 1 लीटर इंजन ऑयल आएगा इसमें, आयल फिल्टर यहाँ, इंजन ऑयल यहाँ पड़ेगा, TVS की ब्रांडिंग है, यहाँ पर भी TVS रेसिंग और इंजन गार्ड कुछ इस तरह से। यहाँ पर आपका ये किक स्टार्टर यहाँ था लेकिन हट गया, ये फाइबर का बढ़िया सिस्टम लगा दिया है सेल्फ स्टार्ट का, पूरा इंजन इस तरह से रहने वाला है। लेग गार्ड भी देख सकते हैं आप पूरा इस तरह से, ये गाड़ी देखेगी इस साइड से तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। यहाँ पर आप देखते हैं साइड का पैनल भी नया आ चुका है, यहाँ पर आपका टेक्सचर डिजाइन, यहाँ पर आपका अपाचे लिखा मिलेगा, पूरा पैनल इस तरह से रहेगा। और ब्रेक लीवर बिल्कुल न्यू शेप में फ्यूटरेस रबर के साथ, ये आपका पिलियन वाला सादा, और यहाँ पर RTR लिखा रहेगा, और ये जो साइलेंसर आप देख रहे हैं बिल्कुल ये नए शेप में आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आपका ये रहा इसका एग्जॉस्ट साउंड, भाई सुनोगे मज़ा आ जाएगा। और 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन दिया गया है, MIG वाले सस्पेंशन मिलते हैं सबसे मस्त। पीछे 220 mm का पेटल डिस्क ब्रेक यहाँ पर आपको मिल जाता है, और उसके बाद सस्पेंशन स्विंग आर्ट कुछ इस तरह से। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अपाचे की यहाँ पर भी ब्रांडिंग और नया पैनल यहाँ पर आपका टेक्सचर डिजाइन के साथ मिलेगा। और यहाँ पर ब्रेक गियर लीवर कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छा, साइड स्टैंड यहाँ पर इस तरह से, और साइड स्टैंड का टॉप इंजन का फीचर है, यहाँ पर सेंसर दिया गया है, चेन कवर यहाँ पर है, स्विंग आर्म कुछ इस तरह से मिल जाती है, फुटरेस्ट इस तरह से। और यहाँ पर MIG के सस्पेंशन जो कि 5 स्टार एडजस्टेबल रहेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका रहेगा सारी गार्ड, सारी गार्ड अभी पूरा कंप्लीट नहीं बना है, वो आप खरीदेंगे तो बंधेगा। अब सबसे अच्छी और मस्त चीज़ है इसकी सीट, सीट अगर आप देखेंगे तो देखिए सिंगल सीट है, और वो भी यहाँ पर दानेदार कुछ इस तरह से, और डुअल टोन फिनिशिंग के साथ सीट, और बढ़िया लेडीज़ और जेंट्स आराम से बैठ सकते हैं। और सबसे खास चीज़ इस गाड़ी की ये है
कि ज़्यादा सीट हाइट भी नहीं है, आराम से अगर हाइट आपकी कम है तो भी आप आराम से चला सकते हैं। तो 13 लीटर फ्यूल आएगा और फ्यूल टैंक के यहाँ पर ये भाग आपका पूरा मेटल, ये आपका फाइबर रहेगा। फ्यूल टैंक के इस तरह से 13 लीटर पेट्रोल आएगा और रेसिंग सिंस 1982 यानी कि 1982 से गाड़ी आती है। A20 वाला फ्यूल पड़ेगा, ये भी नया पैनल यहाँ पर ये प्लास्टिक वाला ऐड किया है कंपनी ने। अब यहाँ पर देखिए बार एंड और ये आपका इंजन की स्विच है, यहाँ पर मोड का बटन है, यहाँ से जैसे आप अर्बन स्पोर्ट और रेन ये आप मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं इस बटन से। सेल्फ स्टार्ट यहाँ से है और हैंडल कुछ इस तरह से, और इस साइड का हैंडल इस तरह से। ये आपका आई बटन है यानी यहाँ से देखिए एवरेज स्पीड ये सारी चीज़ें हो रही हो, ट्रिम पॉइंट यहाँ पर आप वो एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लाइट ऊपर नीचे, ये आपका पासिंग बटन है, ये आपका इंडिकेटर है, ये आपका हॉर्न है और इस तरह से हॉर्न मिलेगा, डबल हॉर्न है एकदम तगड़ा भाई। चाबी कुछ इस तरह से मिल जाती है अपाचे की, काफ़ी ठीक ठाक यहाँ पर इग्निशन है टीवीएस का और कंसोल इस तरह से, मोड और सेट का बटन यहाँ पर दिया गया है। ये हाई आरपीएम लिमिट है, यहाँ पर देखिए स्पीड बताएगा और उसके बाद यहाँ पर आपका घड़ी है, फ्यूल है, आरपीएम यहाँ पर, ऑडियो और ब्लूटूथ यहाँ पर देखिए न्यूट्रल ये आपका रहेगा। और यहाँ पर देखिए 29 किलोमीटर हावर यहाँ पर ये पूरा टॉप स्पीड ऐसा मतलब चलाया गया था। चेक फ्यूल सेंसर यहाँ पर देखिए पूरा यह सब दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा फुल डिजिटल यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर एबीएस एफआई लाइट और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये लो फ्यूल वार्निंग बताएगा, पासिंग यहाँ पर है और इंडिकेटर देखिए लेफ्ट राइट का पूरा इस तरह से दिया गया है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती है, RTR 160 की ब्रांडिंग भी है। तो कुछ इस तरह से रहेगी भाई ये गाड़ी। और अब चलिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं इसका चेन कवर कुछ इस तरह से, साइड गार्ड, सस्पेंशन। अब यहाँ पर RTR 160 की ब्रांडिंग, ये आपका जो है एकदम नया पैनल रहेगा कुछ इस तरह से, देख सकते हो आप एकदम बढ़िया पैनल रहने वाला भाई। ये चीज़ जो है ना, ये पैनल और ये कलर ये सब एक ज़बरदस्त है भाई, पहले से बहुत चेंज। यहाँ पर भी ये टेक्स्चर डिजाइन आ चुकी है और ऊपर देखेंगे तो ये आपका ग्रेवरेल रहेगा अलग अलग, लेकिन पकड़ने में आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पकड़ यहाँ पर दी गई है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर एल्युमिनियम पे ब्लैक कलर और यहाँ पर आपका ये ग्राफिक्स कुछ इस तरह से मिल जाता है। और यहाँ पर ब्लिंकर्स, रिफ्लेक्टर, नंबर प्लेट यहाँ लगेगा, उसकी लाइट है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर भी है, तीन तीन रिफ्लेक्टर पीछे। और पीछे से पूरी गाड़ी इस तरह से दिख जाती है, आप इसका कलर देख सकते हैं। और DRL कुछ इस तरह से DRL मिलेगा इस शेप में, एकदम नए शेप में। और पीछे का जो टायर है ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा टायर दिया गया है इस तरह से। टायर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 120x70 सेक्शन का टायर दिया गया है और 17 इंच का आगे पीछे दोनों व्हील रहेगा। और डिस्क ब्रेक आप यहाँ पर देख ही रहे हैं तो डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। और उसके बाद इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़ है भाई वो है पहले वाले से ये गाड़ी काफ़ी बदल चुकी है। अगर आप देखेंगे डिफरेंस तो ये आपका पीछे से पूरा इस तरह से चेंजेस रहेगा, सीट आप देख सकते हैं और उसके बाद साइड का पैनल देख सकते हैं। और इधर से अगर आप देखेंगे साइलेंसर का पूरा डिफरेंस लुक मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ना अदर गाड़ियों में ये आपका कवर नहीं मिलता, इसमें कवर भी दिया गया भाई, ये चीज़ सबसे अलग है TVS का। यहाँ पर भी RTR 160 यहाँ पर ये ग्राफिक मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो दूसरे कलर भी आप खरीद सकते हैं, यहाँ पर देखिए RTR 160 ये भी ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर आप खरीद सकते हैं, ब्लू कलर भी आती है और उसके बाद व्हाइट कलर देख रहे हैं, रेड कलर में भी मिल जाती है। तो कई सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं इस गाड़ी में। अब हम बात कर लेते हैं इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस का और उसके बाद डाउन पेमेंट का, यानी कि फाइनेंस पे अगर आप लेना चाहें किस्त पे तो कितना पैसा आपको भरना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले इसकी ऑन रोड जो कीमत है वो 1,62,000 है, क्योंकि ये है सबसे टॉप मॉडल स्मार्ट एक्सचेंज के साथ, डबल डिस्क ABS के साथ। और अगर आप सिंगल चैनल लेंगे तो आप 4-5 हज़ार सस्ती पड़ेगी, लेकिन ये 1,62,000 है। डाउन पेमेंट की बात करें तो 40,000 रुपये अगर आपके पास है तो 40,000 रुपये भर के आप फाइनेंस पर ले सकते हैं, बाकी आप पैसा 1 साल से 3 साल की EMI करवा सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, पैन कार्ड और 3 फोटो लेकर आप नज़दीकी शोरूम पर विजिट करें। बाकी अगर आप अयोध्या से हैं तो यहाँ पर आप रजा ऑटो से सिनायत नगर यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं, सबसे कम प्राइस में यहाँ पर आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।